हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष बीएससी नर्सिंग मेरिट लिस्ट के बारे में, यानी जो आपका रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होगा, क्योंकि काफ़ी समय अंतराल के बाद भी आपका जो है आयुष बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा का जो आपकी रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है आयुष के जो अधिकारी हैं, आयुष नर्सिंग के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही समझ सकते हो आप। क्योंकि बस एक जो आपकी जो आयुष नर्सिंग की जो डिप्लोमा की आपकी जो रिजल्ट है बस उसी को नहीं निकाल रहे हैं, बाकी अदर जो भी सारी डिग्री है उसमें बीएमएस हो गया और भी बाकी जो डिग्रीज हैं, बैचलर डिग्रीज हैं फोर्थ ईयर वाली, उनको सबको निकलवा रहे हैं, लेकिन इस डिप्लोमा की है जो आपकी आयुष नर्सिंग की है इसकी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप अगर नीचे स्क्रॉल करके देखते हो तो यहाँ पर रोज़ रोज़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बट उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपकी जो है अभी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो देख पा रहे हैं आप। क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनकी लापरवाही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना होगा जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाने के लिए, और आपको कहाँ पर कॉल करना होगा जैसे ही, क्योंकि अब आप समझ सकते हो आपका, क्योंकि एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, आपको भी पता है आपके जो है 5-6 अगस्त के बीच में आपकी जो है स्टार्ट हुए थे फॉर्म भरना, ठीक है ना। अगस्त से सितंबर तक आपके फॉर्म चले थे 6 सितंबर तक, उसके बाद में आपके 6 सितंबर से आज हो गया है आपका 7 अक्टूबर हो गया है, तो आप देख पा रहे होंगे अब आपका 7 अक्टूबर हो गया है आज, ठीक है ना। तो 7 अक्टूबर हो गया है यानी 31-32 दिन हो चुके हैं आपको, तो फिर भी आपका जो है अभी तक मेरिट लिस्ट या रिजल्ट नहीं आया। इतना टाइम नहीं लगता है ऐसे आपके रिजल्ट में, लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप बहुत बड़ी लापरवाही समझ सकते हो, क्योंकि देखो आपको मैं हम बता देते हैं, एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको बता देते हैं कि बाकी के भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं, जो भी बाकी के नोटिफिकेशन है और भी अदर जो भी डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं ये यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आयुर्वेदिक के देख सकते हो आप, यहाँ पर जो भी है सारे के सारे जो डिप्लोमा कोर्स करवाती है देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, रोज़ रोज़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बट उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि हम वेबसाइट पर विजिट करते रहते हैं कभी कभी, तो देख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 तारीख के दिन 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पर नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिस फॉर स्टूडेंट टाकिंग एडमिशन फॉर बीएमएस, देख सकते हैं आप बीएमएस में 32nd ईयर का जो एडमिशन है उसके थ्रू जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसके यहाँ पर, और जो मेरिट लिस्ट है बीएमएस सेकंड ईयर की स्टूडेंटों की माइग्रेशन के थ्रू जो पॉलिसी निकाली है उसकी जो भी है उसका जो यहाँ पर बीएमएस के स्टूडेंटों की क्या है मेरिट लिस्ट निकाल दी गई है, ठीक है ना, माइग्रेशन वाली, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फिलिंग ऑफ द पोस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्मित, तो ठीक देख सकते हैं आप ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, तो ये सब सभी प्रकार के यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये आपको देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 2-3 दिन के बीच में ये 2-3 ही नोटिफिकेशन 3-4 निकले हैं, तो इन नोटिफिकेशनों से आप देख सकते हो कि आपके प्रति कितनी लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि आपका जो है जब तक आप कोई आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आयुष की डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है ये डिप्लोमा है तो इसको ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं वो तो। और ये आपका मेन बात ये है कि जब भी आपकी कोई भी काउंसलिंग होती है या कोई भी, चाहे आपका कोई भी हो, जैसे कि आप किसी का फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म हो चाहे एडमिशन का फॉर्म हो, अगर उस फॉर्म को आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो आपकी इतनी ही लेट होती है, क्यों? क्योंकि वो जो प्रशासन जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर अपने अपने जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, क्योंकि बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे लोड कर करके इनको क्या है वहाँ पेंडिंग में पटक देते हैं, क्योंकि ये जो आपका हुआ था वो आपकी ऑफलाइन वाले फॉर्म थे, तो ये ऑफलाइन वाले फॉर्म है वो अब पेंडिंग में जा चुके हैं, तो इसीलिए अब आपको क्या करना होगा वो हम बताएंगे इसमें। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना है उनके लिए, और हम बताएंगे उन्हीं नंबरों पर आपको कॉल करना है, बाकी अदर नंबर पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कॉल नहीं करना है, ठीक है ना। आपको और नंबरों पे कॉल नहीं करना है, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उन नंबरों पे आपको सबको कॉल करना है जिससे आपको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देखेंगे वो सभी कॉल करेंगे, जहाँ तक अगर 100 भी आप उनके पास में कॉल करते हो तो उनको थोड़ा सचेत हो जाएंगे वो कि हाँ हम स्टूडेंटों की अभी हमने कोई सुनवाई नहीं की है, इसीलिए थोड़ा हमने उनकी जो रिजल्ट है वो डालने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे ही आपका होगा तो वो रिजल्ट डाल देंगे। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर जो भी नंबर हैं, सारे जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर नंबर हैं,
तो यहाँ से आपको जैसे ही वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ से जो नंबर खोल लेने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें कि किस किस नंबर पर आपको कॉल करना है, ओनली हम बताएं उसी नंबर पर आपको कॉल करना है, चाहे आप उस नंबर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉल कर सकते हो, चाहे आप उस नंबर को याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कॉल करना है, एक तो इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को बता रहे हैं हम, जिन नंबरों पर हम बता रहे हैं उन्हीं नंबरों पर आप कॉल करना, ठीक है ना। एक तो इस नंबर पर आप कॉल करना है, ये नंबर लगेगा कहाँ पर लगेगा, जो कैंप है यानी जो कैंपस है, कार्यालय है कहाँ का, आयुष भवन जयपुर का, तो ये नंबर वहीं लगेगा, ठीक है ना। इस नंबर को लगाएं आप 9928256977, ठीक है ना। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लगाएं और इससे इनसे पूछ सकते हैं कि जो भी है आपका कब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और आप एक स्टूडेंट नहीं सभी स्टूडेंट कॉल करना, जिससे आपकी जो है उसका सही इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके यहाँ, क्योंकि जो डाटा है वो सारा डाटा आपके यहाँ कलेक्ट होकर आ जाए, क्योंकि इससे आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जो है कब स्टार्ट होंगे कब स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं आपको इस डिप्लोमा की, ये अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि इस लिस्ट के पीछे इनकी यही है कि ये लापरवाही बरत रहे हैं सभी के सभी जो प्रोफेसर हैं जो भी है ना। और नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका ये नंबर लगाना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट दूसरा नंबर है वो लगाना है आपको ये नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर ये नंबर लगाना है आपको, सहायक निदेशक आयुर्वेद हमें लगाना है ये 9828706431। तो ये नंबर लगाना है आपको, नेक्स्ट नंबर है हम आपको नेक्स्ट नंबर दे रहे हैं, वो नंबर लगाना है आपको, ये लगाना है आपको ये नंबर, ठीक है ना। ये नंबर लगाना है आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस नंबर को लगाना है आपको, ये नंबर है 9829327807, ठीक है ना। ये इस नंबर को लगाना है, उपनिदेशक का नंबर है ये वहाँ पर ही लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर दे देते हैं हम आपके लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंटों को यहाँ से नंबर मिल रहे हैं और जिन नंबरों से आप कोई भी हो तो बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो इस नंबर को, ये नंबर दे रखा है परामर्शी नंबर, ठीक है ना। इस नंबर को लगा सकते हो, कोई भी डाटा कलेक्ट करना हो तो इस नंबर को आप लगाकर पूछ सकते हो कि कब स्टार्ट होगी, क्योंकि इन्होंने अभी हम भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई सोई नहीं किया है रिलेटेड टू द आपकी जो अपडेट है रिजल्ट का उससे, तो इसलिए हमने आपको कोई भी वीडियो नहीं डाला था प्रीवियस 10-15 दिन से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो इस पर रिलेटेड, तो हमने सोचा आज आपको जो है इन्फॉर्मेशन देके और जो बता दें उनकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये एक आप यहाँ से बात कर सकते हो इनसे, उपविधि परामर्शी इनसे बात कर सकते हो, ये उनका जो है टेलीफोन नंबर है और ये इनका पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। इनसे आप बात करके पूछ सकते हो, श्योरली आपको यहाँ से 100% जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉल करके उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन है गैदर कर सकते हो सभी स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट नहीं सभी स्टूडेंट कॉल करना, एक बार नहीं बार बार कॉल करना, क्योंकि इससे आपका सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपकी जो है काउंसलिंग सेट कब से स्टार्ट होगा और जो फॉर्म है वो कब से आएगी उसकी लिस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको सभी को डाटा कलेक्ट करना है और सभी स्टूडेंटों को इस वेबसाइट से देख लेना है और चेक करते रहना है आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि हम भी आपको वीडियो नहीं बना सके, तो आप देख लेना आपका रिजल्ट, लेकिन हम आपको वीडियो बनाकर ही बता देंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।